are going to do social studies and we are here with chapter number 1, our universe. The universe means everything that exists. यूनिवर्स मतलब जो भी हमारे चारों तरफ नजर आता है वो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स इट कंसिस्ट ऑफ द होल स्पेस इन विच वी ऑल लिव दैट इज द अर्थ एंड टुगेदर विद ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार पृथ्वी सभी और प्लैनेट्स स्टार्स ये सभी यूनिवर्स में आते हैं ब्रह्मांड इसी में कहते हैं मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट आवर यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग बहुत साइंटिस्ट का ये मानना है बिलीव है कि हमारा यूनिवर्स जो है एक बड़ा विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट से सूरज में विस्फोट हुआ और वो फिर धीरे 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 गर्म था पहले ठंडा होते होते वो पृथ्वी बना और इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी एज अ रिजल्ट ऑफ बिग बैंग वॉज द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज उस बिग बैंग से जो टुकड़ा टूटा बिखरा तो कई सारे गैलेक्सीज बने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आकाशगंगा जिसको कहते हैं और उनमें से एक हमारा था मिल्की वे जिसमें हम लोग हैं अर्थ द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर एग्जांपल्स ऑफ गैलेक्सी ये दो एग्जांपल्स है गैलेक्सीज का मिल्की वे जिसमें हम लोग अर्थ रहते हैं और एक एंड्रोमेडा है दीज आर द नेम ऑफ टू गैलेक्सीज और भी बहुत है लेकिन ये दो नाम आपको जानने के लिए काफी है अ गैलेक्सी इज अ मैसिव क्लस्टर क्लस्टर मीन्स ग्रुप of hundreds of millions of stars orbiting means moving around the center करोड़ों की संख्या में वो घूम रहे हैं चारों तरफ all the stars which we see from earth belong to the earth's galaxy or the milky way जो भी तारे नजर आते हैं वो earth galaxy या milky way से जुड़े हुए हैं The heavenly bodies in the Milky Way are the sun, the moon, the stars, the planets and comets. तो Milky Way के अंदर क्या क्या आया? Sun, sun एक star है, moon, और भी दूसरे stars हैं, बाकी एक planets हैं और comets हैं. ये सब Milky Way के अंदर आता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि solar system क्या होता है. It is made up of the sun and eight planets. सूरज और आठ जो प्लैनेट्स हैं उसको मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है द एट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और ये लोग एक ऑर्बिट एक रास्ता ऑर्बिट मतलब समझो उसके रास्ता होता है उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं ये नहीं कि आज यहां है कभी ऐसा नहीं है वो अपने ही एक ऑर्बिट में गोल चक्कर लगाते रहते सभी प्लैनेट जितने द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम व्हिच हैज इट्स ओन लाइट यही एक स्टार है सन जिसकी अपनी रोशनी है वहां पे बहुत सारा विस्फोट होता रहता है गैसेस का और उसी की रोशनी को हम लोग प्राप्त करते हैं जिसको कहते हैं सनलाइट और किसी प्लैनेट पर रोशनी नहीं है एक्सेप्ट फॉर सन प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती है द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स द स्पीसीज ऑफ रॉक डस्ट कॉमेट्स एस्ट्रॉइड्स एंड कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम में और क्या क्या होता है बहुत सारे रॉक्स है वहां भी टुकड़े टुकड़े डस्ट धूल कॉमेट्स पुच्छल तारा एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े टुकड़े एंड कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड सैटेलाइट्स जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून ये सब सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं सैटेलाइट्स आर द बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स मून क्या करता है पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है अभी आपने देखा था कि सोलर इक्लिप्स हुआ था और सन और अर्थ के बीच में मून आया था तो ये अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है और पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है द मून प्लैनेट्स क्या होते हैं प्लैनेट्स देयर आर एट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन और ये कौन कौन है मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून पहले प्लूटो भी हुआ करता था लेकिन अब प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट ड्वार्फ मतलब बौना छोटा उसको अब छोटा कहते हैं उसको अब नाइन में नहीं काउंट करते मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड नेपच्यून इज द फार्देस्ट फार्देस्ट मतलब सबसे दूर तो सबसे छोटा कौन है मरकरी सबसे बड़ा कौन है जुपिटर और सबसे दूर कौन है वो है नेपच्यून
और ये आसान तरीका इसमें लिखा हुआ है, माय मरकरी वी वेरी एक्सलेंट अर्थ मदर मार्स जस्ट जुपिटर एस सैटर्न अस यूरेनस एंड नूडल्स मींस नेपच्यून। ये तरीका याद करने का एट प्लैनेट्स का नाम। अब हम लोग सन के बारे थोड़ा पढ़ लें। सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है, जैसे और भी तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे नजदीक जो पृथ्वी के तारा है वो सन है, जो सबसे ब्राइट हमें नजर आता है, उस समय धूप रोशनी मिलती है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, अभी हमने शुरू में बताया था, उसमें गैस का विस्फोट होता है, धमाका होता है, और उस धमाके से गर्मी मिलती है। जैसे दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं तो धुआं निकलता है और धमाका आग निकलता है, गर्मी होती है। कभी कभी आप देखते हो कि हाथ में कभी नहीं चलाना चाहिए, हाथ जल जाता है, उसमें गर्मी होती है। तो वैसे ही गर्मी और विस्फोट सूरज पर होता है और वही गर्मी हमारे तक पहुंचती है। सो इट इज द सोर्स ऑफ हीट विच इज विच सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेन्स मीन्स मेंटेन। इसकी धूप की वजह से पृथ्वी पे लोग रह पाते हैं, पेड़ पौधे जानवर हम लोग रह पाते हैं। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये सबसे नजदीक है अर्थ। The rays of the sun takes 8 minutes to reach the earth. सूरज से यहां आने में 8 मिनट वक्त लगता है। अब मून के बारे में पढ़े थोड़ा। It is our closest neighbor. हमने कहा था मून is the only satellite. It is much closer to us than the sun. And the moon travels around the earth in a circular path called orbit. मून जो है अर्थ के चारों तरफ गोल चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी घूम रही है, इसीलिए हम लोग चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी साथ साथ घूम रही है उसके बगल साथ साथ। एंड इट टेक्स 28 डेज ऑफ द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मींस उसके चारों तरफ घूमना, पृथ्वी चारों तरफ घूमने में 28 डेज लगता है। इसे देखते हैं कभी फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, कभी हाफ मून होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी लाइट रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनियों से पड़ता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, और जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है वही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं, दूसरे तरफ का हिस्सा हम लोग देख नहीं पाते। और लास्टली हम लोग पहुंचते हैं स्टार्स पे। और आपको बता दें कि मून पे जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग एंड बज ऑल्ड्रिन जूनियर, बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। स्टार्स में देयर आर थाउजेंड स्टार्स इन द स्काई, हमने कहा सूरज भी एक स्टार है, जिसमें सबसे नजदीक है, सबसे गर्म है, उससे ऐसे हजारों हैं। ऑल स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन सिंस दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, सभी स्टार्स में अपनी रोशनी होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सम आर वेरी बिग, कुछ स्टार्स बहुत बड़े होते हैं जैसे सूरज, एंड सम आर वेरी ओल्ड स्टार्स एंड आर स्मॉलर देन द अर्थ। एस्ट्रॉइड्स अब आते हैं, वो क्या है, दे आर रॉकी एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ, ये पत्थर होते हैं एस्ट्रॉइड्स, खासकर मार्स और जुपिटर के बीच में वो पाए जाते हैं। और मीटियोर्स क्या होते हैं, दे आर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल इन द स्पेस, कभी आपने देखा कोई तारा टूट के गिर रहा है, शूटिंग स्टार, उसको मीटियोर्स कहते हैं, जो ऊपर ही खत्म होता है, और मीटोराइट जो होता है वो नीचे पृथ्वी तक आता है। और आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि अमेरिका के एरिजोना नाम के जगह में वो धमाका नीचे गिरा था और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था मीटोराइट्स की जगह से। तो मीटियोर्स ऊपर ही जगह खत्म होते हैं और मीटोराइट्स पृथ्वी के सतह में आ जाते हैं। तो ये था आज आपका चैप्टर, हमने आपको क्वेश्चंस दिया है, वो आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, एंड बी रेडी फॉर योर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। थैंक यू।